पार्ट 11 लोमड़ी का न्याय। एक जंगल में शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा रखा। पिंजरा रख कर वे अगले दिन आने के लिए चले गए। कुछ देर बाद वहाँ एक शेर आया। जैसे ही शेर पिंजरे में गया, वैसे ही पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। बंद होने के बाद शेर बहुत दहाड़ा, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उधर एक लकड़हारा आया। वह पिंजरे में बंद शेर को देखने लगा। तभी शेर ने उससे प्रार्थना की, अरे भाई कुल्हाड़ी वाले, मेरी सहायता करो, पिंजरे का दरवाजा खोल दो। लकड़हारा बोला, ना बाबा ना, मैं दरवाजा खोलूंगा तो तुम बाहर निकलकर मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मुझे स्वतंत्रता दिलाने वाले भले इंसान को मैं नहीं खाऊंगा। लकड़हारे ने शेर पर विश्वास किया। दरवाजा खुलते ही शेर बाहर आ गया। बाहर आकर शेर बोला, सुनो कुल्हाड़ी वाले, मुझे अब भूख लग गई है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। लकड़हारा बोला, शेर जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे नहीं खाएंगे, अब आप अपनी बात से क्यों हट रहे हैं? शेर बोला, जब हमने कहा था तब हमें भूख नहीं लगी थी, हम राजा हैं, हम अपना निर्णय बदल सकते हैं। शेर की बात सुनकर लकड़हारा बहुत घबराया। अपने को बचाने के लिए उसने एक और कोशिश की। वह बोला, आप राजा हैं तो न्याय कीजिए, किसी और आने जाने वाले से पूछ लीजिए, अगर वह भी कहे कि आप मुझे खा सकते हैं तो खा लीजिएगा। शेर मान गया। वह जानता था कि पूरे जंगल में उसकी बात को कोई नहीं काट सकता। तभी वहाँ एक लोमड़ी आई। लकड़हारे ने लोमड़ी को सारी बात बताकर पूछा, बताओ भला, क्या यह न्याय होगा कि शेर मुझे खा जाए? लोमड़ी चालाक थी। वह जानती थी कि अगर उसने शेर को मना किया तब भी वह नहीं मानेगा। उसने अक्ल से काम लिया और बोली, कैसी बात करते हो, मैं मान ही नहीं सकती कि हमारे महाराज इस छोटे से पिंजरे में समा सकते हैं। पहले मुझे दिखाओ कि इस पिंजरे में हमारे महाराज कैसे समाये थे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर पिंजरे के भीतर जाकर बोला, मैं ऐसे इसमें गया था। तभी लोमड़ी के कहने से लकड़हारे ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने जब घूम कर देखा कि वह दोबारा कैद हो चुका है, तो वह रो रो कर माफी मांगने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो और पिंजरे से निकाल दो। तब लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप यहीं अपनी जेल में अच्छे लग रहे हैं, आप जैसे हिंसक पर विश्वास करना तो मूर्खता ही होगी। इसके बाद लोमड़ी और लकड़हारा अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन शिकारी शेर को ले गए। उन्होंने शेर को चिड़ियाघर के एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।